हाय फ्रेंड्स, सो ये हमारा FM का फर्स्ट वीडियो है, कॉन्सेप्ट्स इन वैल्यूएशन, लाइक सेकंड लेसन का है। और इसमें ये वीडियो में हम लोग सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये लेसन में हम लोगों को सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फ्यूचर वैल्यू, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दिया हुआ है। एंड इससे रिलेटेड फार्मूलाज इधर है हमारे पास, ये सारे फार्मूलाज है ये लेसन के। आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, फोर क्वेश्चन, एक्चुअली स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। और जो हम लोग फोर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, उसमें हम लोग सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट एंड फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और ये हमारा थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, बट जस्ट मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको फ्री अप कर दूंगी ये टॉपिक से। बाकी के फॉर्मूलाज के लिए भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, सिंगल सिंगल बनाएंगे और इसमें फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। सो लेट्स गो विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Mr. Rahul has deposited rupees 1 lakh in a saving bank account at 6% of simple interest. 1 lakh rupay, which is our principal, 1 lakh rupay deposit kiya hai, 6% simple rate of interest hamara 6% hai, and wishes to keep the same for a period of 5 years. Number of years bhi 5 diya hua hai. Calculate the accumulated interest, which is simple interest, एंड फ्यूचर वैल्यू। सो जो जो गिवन है हम लोग क्वेश्चन में, हम लोग पहले वो लिख लेते हैं। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, आपको समझ में तो आया क्वेश्चन में क्या बोला है? ये जो राहुल है उसको ना बैंक में वो 1 लाख रुपए डिपॉजिट करने वाला है, उसका सेविंग बैंक अकाउंट है, एंड उस पर उसको 6% इंटरेस्ट मिलने वाला है, सिंपल इंटरेस्ट, एंड वो 5 साल के रखने वाला है। सो अभी वो रखा है 5 साल का, उसको 6% इंटरेस्ट मिला, पर उसका अमाउंट कितना होगा 1 लाख पे, तो वो हम लोग अमाउंट निकालेंगे विच इज़ अ सिंपल इंटरेस्ट। एंड जो फ्यूचर वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो उसको 5 साल के बाद वो अमाउंट प्लस करके प्रिंसिपल, जो अभी उसका प्रेजेंट वैल्यू जो वो डिपॉजिट करने वाला है, एंड सिंपल इंटरेस्ट का जो जितना उसको इंटरेस्ट मिलने वाला है उसको प्लस करके हमारा फ्यूचर वैल्यू मिलेगा। सो उसको फ्यूचर में 5 साल के बाद कितना पैसे मिलेंगे वो हम लोग ढूंढने के। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन, पर हम लोग क्या क्या गिवन है, पी हमारा 1 लाख रुपीज है, राइट, एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, एंड जो हमारा एन नंबर ऑफ पीरियड है 5 ईयर्स का है। एंड फ्रेंड्स, आई आपको मालूम है आई क्या होता है, आई अपॉन 100, तो ये हमारा हो जाएगा 0.06%। ओके, सो लेट्स सॉल्व सिंपल इंटरेस्ट। फ्रेंड्स थोड़ा जल्दी जल्दी जा रही हूँ, बट आपको समझना चाहिए आर क्या हमारा 6 है, तो आई हम लोग का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू आई इंटू एन। तो ये जो आई है, आई का वैल्यू क्या है, आर अपॉन 100, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपॉन 100, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इधर 6 दिया हुआ है, सो उसको हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये एक फॉर्मूला है, और जो एक सिंपल इंटरेस्ट का एक और फॉर्मूला होता है, पी इंटू आर इंटू एन बट डिवाइड बाय 100। ये जो आर अपॉन 100 जो इधर है ना, उसी को हम लोग ने आर से रिप्लेस कर दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग सिर्फ आर से इंटरेस्ट से रिप्लेस किया है। सो ये 0.06% हो गया। आप चाहिए तो ये फॉर्मूला से भी यूज़ कर सकते हो, इससे भी यूज़ कर सकते हो, दोनों से आपको सेम आंसर मिलने वाले हैं और किसी पे भी मार्क्स कट नहीं होने वाले। मैं आपको दिखाती हूँ, इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग का पी क्या है, इस फॉर्मूला के हिसाब से पी हमारा 1 लाख रुपीज है, आई हमारा 0.06 इंटू एन क्या है 5 है। सो ये डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, ये 5 लाख हो जाएगा हमारा इंटू 0.06, इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग देखते हैं आंसर क्या आने वाला है। सो क्या हमारा 5 लाख, ये हमारा 5 लाख हुआ इंटू 0.06 विच इज आर 30,000। और ये फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग जाते हैं, अभी सेम आंसर आएगा जस्ट आपको शो करने के लिए। सो ये फॉर्मूला के हिसाब से एस आई इक्वल्स टू पी के हमारा 1 लाख रुपीज़ है, 1 लाख, आर के हम लोग का 6 है इंटू एन 5 है, और
अपॉन 100, तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, एग्जाम में कटिंग्स वाला हम लोग का भी, हम लोग प्रोफेशनल हो चुके हैं और कैलकुलेटर भी अलाउड कर दिया है एग्जाम्स में, तो ये प्लीज़ ये कटिंग वाला स्टेप मत करना, बिकॉज एग्जाम में इसके मार्क्स काटे जा सकते हैं। सो एस आई इक्वल्स टू, ये हमारा क्या हो गया, अभी हमारा ये हो जाएगा 1000 इंटू 6 5 30, तो इट विल बी 30,000। ये थोड़ा स्टेप बड़ा हो जाता है, इसके लिए डायरेक्टली इधर शॉर्ट में आई को हम लोग रिप्लेस करके ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। आपको जो फॉर्मूला यूज़ करें, यू माई सिंपल इंटरेस्ट आ गया फाइनली, तो फिर हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो ये हमारा फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, 5 साल तक उसने रखा है, तो 5 साल के बाद कितने पैसे मिलेंगे उसे, लेट्स चेक। तो इसका फॉर्मूला भी पी प्लस एस आई है। आप चाहिए तो इसको डायरेक्टली मीन्स ये जो स्टेप है इसको कैंसिल करके एस आई जो इधर बोला है इसी में आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो पी इंटू। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ, तो पहले इसको हम लोग कर रहे थे पी के हमारे 1 लाख रुपीज, ओके, ये 1 लाख प्लस एस आई के हमारे 30,000। सो उसको 5 साल के बाद 1,30,000 रुपीज़ मिलेंगे आप उनको। सो यू आर विथ अ सॉल्यूशन, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सो अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, मिस्टर कृष्णाज एनुअल सेविंग इज 1,000, एनुअल सेविंग 1,000 है, विच इज इन्वेस्टेड इन अ बैंक सेविंग फंड अकाउंट दैट प्लेस 5% सिंपल इंटरेस्ट। Krishna wants to know his total future value or the terminal value at the end of 8 years time period. 8 साल के लिए, एक साल नहीं 8 साल के लिए Krishna क्या कर रहा है, मिस्टर Krishna वो 1,000 rupees अभी डिपॉजिट करेगा, बैंक उसको 5% का सिंपल इंटरेस्ट देगी एंड 8 साल के लिए वो रखने वाला है। सो हम लोग, सो पी हमारा क्या दिया हुआ इधर 1,000 rupees, देन आर इंटरेस्ट हमारा कितना है 5%, एंड देन एंड कितना है हमारा 8 ईयर्स का, 8 ईयर्स सीरियसली। एंड देन हम लोग सिंपली आई कैलकुलेट कर लेते हैं, आपको मैं बताया था आई अपॉन 100 विच इज 5 अपॉन 100, तो हम लोग को आ जाएगा आंसर 0.05%, ओके 0.05%। नाउ मैंने आपको बताया था डायरेक्टली हम लोग एस आई वाला ये स्टेप कैसे कैंसिल कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। हम लोग डायरेक्टली फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फ्यूचर वैल्यू में हम लोग को पी हम लोग का फॉर्मूला है, और ये जो एस आई है एस आई के बदले हम लोग डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ले लेंगे पी इंटू एन, तो ये हमारे क्वेश्चन में जल्दी सॉल्व हो जाएगा। पी क्या है हमारे इधर 1,000 बोला हुआ है, 1,000 प्लस ब्रैकेट में पी हमारा 1,000 है इंटू आई कितना है 0.05, एंड देन इंटू ईयर्स कितने हमारे 8 ईयर्स के लिए। सो पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सो ये हमारा 40 हो जाएगा, मैं आपको बताती हूँ। सो अभी हम लोग ये 1,000 इंटू 8 कर रहे थे पहले, तो ये हमारा 8,000 हो जाएगा इंटू 0.05। सो 0.05 का आंसर क्या आएगा, लेट्स सी, 8,000 इंटू 0.05, तो हमारा 400 आंसर आता है। सो उसको 8 साल के बाद 1,400, विच इज़ 1,400 rupees मिलेंगे किसको, मिस्टर कृष्णा को। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सो अभी हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, नाउ वी आर ऑन थर्ड। थर्ड का क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम लोग डायरेक्टली बोल रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का है आर या आई, ओके। इफ द अमाउंट ओन्ड आफ्टर 6 मंथ्स इज, हम लोग को डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट लोगों ने दिया हुआ है, फ्यूचर वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, हाँ, और प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल भी हम लोग को दिया हुआ है, नंबर ऑफ पीरियड भी हम लोग को दिया हुआ है, जस्ट अब हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या इंटरेस्ट, तो लेट्स गो विद अ सॉल्यूशन। सो पहले गिवन लिख लेते हम लोग, हर क्वेश्चन में सब कुछ दिया रहता है, सब कुछ नहीं बट एक चीज मिसिंग होती है, तो फाइंड आउट करना है उसे। तो गिवन में हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल इज 1,000,
1050 एंड जो नंबर ऑफ ईयर्स है, सॉरी मंथ दिया हुआ है, तो 6 मंथ दिया हुआ है, तो हम लोग एनुअल पे करते हैं इसे, तो हम लोग 6/12 कर लेंगे, तो हम लोग का आंसर आएगा 1/2। मैं इधर शॉर्ट कर लेती हूँ, ठीक है, एंड डायरेक्टली हम लोग फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूला से यूज़ करेंगे। तो सो फ्रेंड्स, ये हम लोग को 6 मंथ दिया था, इसलिए हम लोग इसको 12 से डिवाइड किया, ओके। एंड ये जो हम लोग अभी फटाफट जाए, बिकॉज वीडियो थोड़ा लेट हो रहा है, नंबर जाए एंड प्लस प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू आई इंटू एन, ओके। फ्यूचर वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है कितना है, 1050। फ्यूचर वैल्यू में से हम लोग को सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट, तो वो हमारा माइनस बाय, अगर हम लोग ये जो हम लोग इधर माइनस कर देंगे इसको, इसको हमारे प्रिंसिपल को प्रेजेंट वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो हम लोग को सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, पहले हम लोग स्टेप वाइज जाते हैं, आपको था अगर मैं स्किप करूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो हम लोग इधर ये हो जाएगा प्लस हमारा, तो ये हमारा फ्यूचर वैल्यू है, ये हमारा प्रिंसिपल है। अभी फॉर्मूला के हिसाब से ये 1000 इंटू आई क्या हमारा 1/2, 1/2 इंटू एन, एन क्या था, सॉरी एन ही हमारा 1/2 था, और हमको आई फाइंड आउट करना है, ओके। उसका कोई इशू नहीं है कि मैंने आई को साइड में रख दिया है, बट अभी हमको उसको सॉल्व करने का है। सो ये इधर ब्रीच क्रॉस करेगा तो ऑफकोर्स माइनस हो जाएगा, तो 1050 माइनस 1000 एंड देन इधर आ जाएगा 1000 इंटू 1/2 इंटू आई, ओके। सो ये हमारा बच जाएगा ओनली 50, और ये जो 2 है ये चीज़ हम लोग इधर लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर इधर ही हम लोग कट कर सकते हैं। तो ये अगर मैं कट करती हूँ तो ये 500 हो जाएगा, राइट, 500 इंटू आई। सो अब हम क्या करेंगे, ये जो 50 है ये 500 डिवाइड हो जाएगा, इधर आ जाएगा, सो ये 50 डिवाइड बाय 500 विच इज इक्वल्स टू आई, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व, 50 डिवाइड बाय 500, सो हमारा वैल्यू 0.1, तो हमारा इंटरेस्ट 0.1 है, 1% है, और इसका अगर हम लोग आई निकालते तो ये हो जाएगा इंटू 100, मीन्स 10% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट। ओके फ्रेंड्स, आपको मालूम है इंटरेस्ट हम लोग को डायरेक्ट मिल गया, बट ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके लिए फॉर्मूला क्या था हमारा, आई इक्वल्स टू आर डिवाइड बाय 100, और जब हम लोग आर फाइंड आउट करने गए तो हम लोग ये 100 को ये लेके जगह मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज ये डिवाइड में, तो हमारा आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू आई इंटू 100, राइट। तो हम लोग को 0.1% मिला था, इंटू 100 किया तो हम लोग को 10% मिला, तो हम लोग को ये आई की जरूरत नहीं है, हम लोग को सिर्फ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना था, तो हम लोगों ने कर लिया। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, सॉरी फोर्थ। सो फ्रेंड्स, अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे जाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अ सम डिपॉजिटेड एट अ बैंक, कोई भी अमाउंट डिपॉजिट किया हुआ है बैंक में, फेचेस जो उसका फ्यूचर वैल्यू है वो 13,440 रुपीज़ है, आफ्टर 5 years एट 12% सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, 12% इंटरेस्ट है 5 years के। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट, तो क्या गिवन है हम लोग पहले वो लिख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ओके। सो गिवन में हमारे पास क्या क्या है, गिवन में हमारे पास क्या क्या है, फ्यूचर वैल्यू है विच इज 13,440। सो फ्यूचर वैल्यू हमारा, सॉरी हाँ ओके, फ्यूचर वैल्यू हमारा 13,440 है, हमारा नंबर ऑफ ईयर्स 5 years का है, एंड वेट हमारा 12% है, ओके। तो हम लोग इधर ही डायरेक्टली आए हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, सो 12 डिवाइड बाय 100 कितना होगा फ्रेंड्स, विच विल बी 0.12%, ओके। अब हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एफ वी इक्वल्स टू पी इंटू, सॉरी इंटू नहीं, फॉर्मूला में प्लस है, इंटू आई इंटू एन, ओके। सो ये फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, बिकॉज हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने वाला है प्रिंसिपल को, सो पी दो दो बार है तो हम उसको एक बार लेंगे, तो पी अब 1 प्लस आई इंटू एन, अगर आप ये
फॉर्मूला सॉल्व करते हो तो आपको सेम आंसर आएगा, बिकॉज पी एज इट इज, फिर पी इन टू वन तो पी आएगा, और फिर देन ये पूरा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, राइट। सो आपको आंसर वही आएगा, हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉरी फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई किया है। अब हम अप्लाई करते हैं, एफ पी हमारा क्या दिया हुआ है, फ्यूचर वैल्यू 13,440, पी हम लोग को मालूम नहीं है, वन एज इट इज, प्लस इंटरेस्ट क्या है 0.12 इंटू एन नंबर ऑफ एन 5। सो इसको पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, हो जाएगा पी, सो ये 1 प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आएगा 0.12 इंटू 5 विच विल बी 0.6, 13,440 इक्वल्स टू पी, और ये प्लस कर देंगे तो 1.6 हो जाएगा, राइट। और फिर ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड होगा, 13,440 डिवाइड बाय 1.6 इक्वल्स टू पी। सो हम करके देखते हैं, 13,440 डिवाइड बाय 1.6 हमारा आंसर है, हमारा प्रिंसिपल क्या है 8,400 रुपीज, मीन्स उसने प्रेजेंटली 8,400 रुपीज उसका प्रिंसिपल अमाउंट था उसने डिपॉजिट किया, एंड देन उसको कितना 5 इयर्स के बाद 12% इंटरेस्ट पे उसको 13,440 रुपीज मिले। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। फ्रेंड्स मैं आपको बार बार कैलकुलेटर दिखाती हूँ, बट क्यों दिखाती हूँ कि हमारा सम भी आपको कन्फ्यूजिंग ना लगे, बिकॉज कौन सा नंबर कहाँ से आया, कैसे डिवाइड हुआ, अगर मैं डायरेक्टली लिख दूंगी तो आपको नहीं समझने वाला है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप जा रही हूँ। वीडियो भी थोड़ा लंबा जा रहा है, बट द मोटिव इज दैट कि आपको समझना चाहिए, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।